दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए रोहित शर्मा के छक्के से हुआ ग्राउंड में बैठी छोटी बच्ची की जान। दोस्तों जैसे ही उस छोटी बच्ची का निधन हुआ उसके बाद पूरे क्रिकेट जगत सदमे में डूब चुकी थी। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हो आखिरकार क्या है इस खबर की पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भारत और अफगानिस्तान टीम के बीच में तीसरा T20 मुकाबला बीते कल खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे 4 विकेट खोने के बाद। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करते हुए कप्तान रोहित शर्मा 121 रनों की विस्फोटक और खतरनाक पारी खेल डाली थी, तो वही रिंकू सिंह ने 69 रनों का योगदान दिया था। इस टारगेट का पीछा करने के लिए अफगानिस्तान की टीम जब मैदान पर आई थी तो अफगानिस्तान टीम की ओर से रहमतुल्ला गुरबाज ने 50 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली थी, तो वही अजमतुल्ला उमर जी ने 55 रनों का योगदान दिया था। भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए वासिंदर सुंदर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए थे। दोस्तों पूरा मामला उस वक्त का है जब रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे, तो वही दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम की ओर से गेंदबाजी कर रहे थे नवीन उल हक। लेकिन दोस्तों एक छक्का कप्तान रोहित शर्मा ने मिडॉन के ऊपर से जड़ दिया, वो छक्का सीधा जाकर एक छोटी बच्ची को लगदे लगदे बच गई।